अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। हेलो व्यूअर्स, आप लोग कैसे? आज आप लोग का सामने एक नया ट्रांसमीटर के बारे हम लोग बात करेगा। ये हमारा एक मैस फ्लो ट्रांसमीटर है, ठीक है। इसका टैग नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं, टैग नंबर है FITA, टैग नंबर 2210 अल्फा है। ऐसे वाला हमारा यहाँ पे तीन ट्रांसमीटर है, अल्फा, ब्रावो, चार्ली, ऐसा तीन है। तो हम ESD टैग है, आज आप लोग को हम बताएगा कैसे इसके कॉन्फ़िगर करता है और कैसे इसको लूप टेस्ट करता है। इसका हम पहला इसको मॉडल नंबर चेक करेगा, इसका मॉडल नंबर XMT900, ठीक है। ये ट्रांसमीटर को हम चालू करने के लिए हमको इलेक्ट्रिकल पावर चाहिए। तो हमको अभी 220 का एक इलेक्ट्रिकल केबल हम इसको कनेक्ट किया है। ये साइड में देख लीजिए, इसका एक टर्मिनेशन इलेक्ट्रिकल, ऊपर वाला इलेक्ट्रिकल है, नीचे वाला इसका हमारा सिग्नल केबल है। हम 420 मिलियम से हिसाब से इस केबल ये हमारा सिग्नल काम करेगा, ठीक है। इसके साथ हमारा दो सेंसर लगा हुआ है, दो सेंसर केबल है। ये हमारा सेंसर केबल ऊपर में लगा हुआ है, पाइपलाइन में लगा हुआ है, दो साइड का सेंसर। एक सेंसर ये ट्रांसमिट करेगा, दूसरा सेंसर है इसका जो रिसीवर है। ये दोनों को कन्वर्ट करने के लिए हमारा इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कार्ड लगा हुआ है। उसके लिए हमको उसको इलेक्ट्रिक, इसके जो सेंसर तो चेंज करके वैल्यू उसको कन्वर्ट करने के लिए हमको इलेक्ट्रिकल पावर चाहिए। इसलिए हमको इलेक्ट्रिकल पावर यूज़ किया इस ट्रांसमीटर में। नॉर्मली दूसरे ट्रांसमीटर हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें 24 वोल्टेज इनफ है। उसमें से वो कैलकुलेट करके हमको वैल्यू बेचता है DCS में, अपना सिस्टम में। लेकिन ये ट्रांसमीटर में हमको इलेक्ट्रिकल पावर चाहिए। ओके, तो फिर अभी हम देखिए, इसका एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट दिया हुआ है कंपनी। ये हम इस मैग्नेट से हमको डिस्प्ले से इसको हम चेक करेगा। अभी देखिए, पहला हमारा यहाँ पे डिस्प्ले में दो पैरामीटर शो हो रहा है, हमको यहाँ पे एक पैरामीटर चाहिए। ये हमारा FIT है, ये इसका जो यूनिट है ये KG/h है। अभी हमारा डिस्प्ले सेम अभी जैसे देख रहे ऐसे आएगा, हम इसको चेंज कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। पहला हम लोग इसका जो वेलोसिटी अभी देखा रहा है, इसका हम इसको मस्ट फ्लो करेगा। मस्ट फ्लो करने के लिए हमको इसको वेलोसिटी में हम जाके इसको क्लिक करेगा, फिर नीचे आएगा, नीचे आके हम मस्ट फ्लो मस्ट में क्लिक करेगा, ठीक है। देखिए अभी हमारा मस्ट फ्लो 0 KG/h आ गया, ठीक है। अभी हम साउंड स्पीड है इसमें, इसको हम हटाएगा, तो हमको अभी नहीं चाहिए। इसमें चाहिए तो आप रख सकते हैं, नहीं चाहिए तो आप इसको हटा सकते हैं। अभी हमको इसको निकलने के लिए हमको अंदर में जाना है, जाने के बाद हमको प्रोग्राम में जाना है, फिर सिलेक्ट करना है, फिर हमको सील यूज़र में जाना है। सील यूज़र में जाएगा तो हमको इधर पासवर्ड मांगेगा। इस प्रोजेक्ट में इसका पासवर्ड 41 देने का, 41 दिया, ओके। अभी हमको ओके, इससे पहले हम लोग का काम करने का यही है, साउंड स्पीड है इसको हटाने का। हम डिस्प्ले फॉर्मेट में जाएगा, हमका अभी 2 वेरिएबल है, हम अभी हमको 1 वेरिएबल करना है। ओके, अभी देखिए, अभी साउंड स्पीड चला गया, अभी हम ओनली मस फ्लो है 0.0 KG अभी। ओके, अभी इसको हम कॉन्फ़िगर कर दिया, अभी हम जाएगा प्रोग्राम में, जाके सील यूज़र में जाएगा, देने के बाद हमको पासवर्ड देना है, 41 देना है, ओके। फिर अभी हमको सेटिंग में जाने का, देखना है लैंग्वेज इंग्लिश है, मेटा टैग ओके, लेवल ये अपना टैग नंबर है, बाद में ये सारा आएगा, डेंसिटी आएगा, ओके। अभी हम जाएगा फ्लो यूनिट, फ्लो यूनिट तो आपको पता है, ये अभी हमको मैस फ्लो जो हमने चेंज किया KG/h है, ये वैल्यू ऐसा रहेगा मैस फ्लो, यस मेट्रिक है, 1 KG/h हमको सेलेक्ट कर दिया, ओके। बाद में हमको जाना है मेट्रा सेटअप, ओके। बाद में हमको सेटिंग में जाने का, फिर जाके हम अभी हमारा रेंज चेक करेगा। सेटिंग में जाने के बाद नीचे वाला बटन इसमें क्लिक करना है, अभी IO बोर्ड आया हुआ है, फिर हमको सेलेक्ट करना है, फिर एनालॉग आउटपुट एंड सील इसमें जाना है,
आने के बाद हमको अभी इधर हम हमारा वैल्यू चेक करेगा। बेस वैल्यू है हमारा अभी देखिए 0 kg है और बैग फिल फुल वैल्यू है हमारा 65,000 kg/h 65,000 kg/h ये हमारा रेंज है फुल रेंज। फिर हम बैग में जाएगा, फिर बैग में जाएगा, फिर भी बैग में जाएगा, फिर हमको नीचे नीचे जाना है फिर। ओके देख अभी हम लोग हमारा जो रेंज चेक कर लिया, अभी हम सील आउटपुट मिनिमम मैक्सिमम में जाना है। जाने के बाद ये हमारा परसेंटेज ऑफ स्केल ये यहाँ से हम लोग इसको वैल्यू चेक वैल्यू देगा, आउटपुट वैल्यू देगा, क्योंकि ए 42 मिलियन हिसाब से ये ट्रांसमीटर काम करेगा। लेकिन हमारा जो वैल्यू जाएगा यहाँ से वो kg/h से जाएगा, ठीक है। तो फिर हम इसे वैल्यू अप्लाई करना है तो kg/h से वैल्यू अप्लाई करना है। हम परसेंटेज ऑफ स्केल में जा के देखिए अभी इधर आ गया, अभी हम यहाँ से आके अभी हम 25% अगर देगा, ओके 25%, फिर हम अभी इसे क्लिक करेगा, अभी हमारा DCS में जो सिस्टम है वहाँ पे 25% चला गया। हम मिलियम देगा तो हम लोग 8 मिलियम देना है, लेकिन हम इस ट्रांसमीटर को हम मिलियम्स अप्लाई नहीं करना है फील्ड से, ये परसेंट के हिसाब से काम करेगा, ठीक है। ये कन्वर्ट करके सेंस करेगा मिलियम्स, कन्वर्ट करके परसेंट हिसाब से DCS में भेजेगा। फिर हमको अभी 50 चाहिए तो हम यहाँ से आके हम इसको 50% ऐसा देना है, तो फिर हम DCS में 50% चला जाएगा। ओके फिर हमको अभी 100% देना है तो 100% देना है तो हम यहाँ से 100% दे दिया तो अभी हमारा उधर 65,000 kg/h शो होगा। ओके अभी हमको इसको प्लस आई पे देना है तो 107% ये 6% के ऊपर नहीं जाएगा, 6% जाएगा तो हमारा वहाँ पे प्लस आई पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। फिर ऐसा इसको अब लूप टेस्ट करना है। फिर अभी हम लूप टेस्ट फिनिश करने के कैसे, हम अभी बैक में जाएगा, बैक में जाएगा, बैक में जाएगा, ये हमारा नो और एक्टिव सेटिंग, ठीक है। अभी हम अगर कुछ भी चेंज करेगा फिर हमको एक्टिव जो एक्टिव सेटिंग उसमें चेक करना है, एक्टिव सेटिंग कर देना है। ठीक है अभी एक्टिव सेटिंग कर दिया, अभी हमारा इधर 0 kg मतलब अभी हमारा लाइन में जो प्रोसेस लाइन में अभी 0 है, कुछ नहीं है, इसलिए अभी हमको 0 kg मिल गया। ऐसे इसको इस तरीके से ये ट्रांसमीटर को आप कॉन्फिगर प्लस लूप टेस्ट करने का। ओके थैंक यू। और हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको लोग का कुछ क्वेश्चन हो तो आप बोल सकते हैं, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपका आंसर देने के लिए। ओके अल्लाह हाफिज़।